हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बात करने वाले इस वीडियो में मल्टीपल स्टॉक से रिलेटेड एज वेल एज मल्टीपल सेक्टर से रिलेटेड और जो स्टॉक्स हमने बताए हैं उनसे रिलेटेड। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार जो आपका खुद का चैनल है सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। एज वेल एज अगर बात करें आज की डेट में, देखिए अभी Q4 के रिजल्ट आए हैं काफ़ी सारी कंपनीज के, कौन कौन सी कंपनी के अच्छे रिजल्ट आए हैं बेकार रिजल्ट आए हैं उसमें आपको पता चल जाएगा एक। और एज वेल एज बात कर लेते हिंदुस्तान फूड्स की, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट, मतलब ये शेयर आपको 3100 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके टेक्निकल से रिलेटेड बातें करी है। और एक ब्रेकआउट शेयर जो कि जेटी केटी के Q4 जैक की तरह पकड़ा है और सेम चार्ट पैटर्न बन रहा है, जैसे जेटी केटी भागा था और 35% के रिटर्न 3 दिन में दे दिए थे, सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपको 9 टाइम बोनस 2 टाइम स्प्लिट देने वाली एक कंपनी है, 75% का अपसाइड यहाँ पर साफ दिख रहा है सेम जेटी केटी की तरह। तो ये शेयर की तरफ ध्यान देगा, वीडियो को देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, तो हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक पॉजिटिव था इसीलिए यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर सौ पॉइंट्स के लगभग की जंप यहाँ पर निफ्टी 50 में भी दिखाई दी, यहाँ पर भी अच्छा खासा ये जो भागता हुआ नजर आया, क्योंकि निफ्टी बैंक का रिलेशन ये है कि निफ्टी बैंक का जो वो वेटेज है ना वो सबसे ज़्यादा है निफ्टी 50 में, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर IT के जो सेक्टर के शेयर है वो भी भागते हुए नजर आए, इसलिए यहाँ पर ये शेयर आज की डेट में भागता हुआ निफ्टी 50 भागता हुआ नजर आया और यहाँ पर आप पॉजिटिव क्लोजिंग करी है। बात करें तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे क्लोज नहीं किया बट स्टिल यहाँ पर पॉजिटिव है, तो कल और भी तेज भाग सकता है। बाकी कल वीकली एक्सपायरी है तो कल देखते हैं क्या होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारी इंडियन मार्केट कैप हिट्स $3 ट्रिलियन, मतलब $3 ट्रिलियन की यहाँ पर इंडियन मार्केट कैप हो चुका है। और बहुत जल्दी यहाँ पर अगर बात करें तो आने वाले कुछ टाइम में अगर 2-3-4 साल और देंगे तो यहाँ पर $5 ट्रिलियन की यहाँ पर ये इकोनॉमी बनती हुई नजर आएगी, तो यहाँ पर आपका पैसा भी बनता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे मार्केट बढ़ेगा, वैसे वैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन में आता जाएगा। अगर इफ़ यू वुड चूज अ पर्टिकुलर गुड स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक इस तरीके से चूज करोगे तो अच्छा खासा पैसा आप बना के मार्केट से जाओगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं FIIs का डेटा, तो आज की डेट में 241 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने बाइंग करी है। अगर बात करते हैं यहाँ पर 438 करोड़ रुपये का यहाँ पर DIIs ने यहाँ पर सेल करी है। अब बात कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड, तो यहाँ पर इन्फोसिस में आज देखिए यहाँ पर IT सेक्टर जितना भी है सारे शेयर भागते हुए दिखाई दिए, 1395 रुपये पे यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दिया। और बात करें तो लगभग 1400 भी हिट कर दिया था इसने और 2.45% का यहाँ पर जंप है। बात करें तो यहाँ पर आज के दिन काफ़ी सारी यहाँ पर अगर देख तो बल्क डील होती हुई नजर आई है, यहाँ पर देख सकते हैं 26 तारीख ये सारा का सारा डेटा। और बात करें तो यहाँ पर ये सब आज की डेट का है और ये इन्फोसिस का है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कंपनी, ये इन्फोसिस का है। और देख लीजिए अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग यहाँ पर लास्ट तक करी की गई है किसमें, इन्फोसिस में। इन्फोसिस में जितने भी उनके प्रमोटर हैं जिनकी हिस्सेदारी अच्छी खासी है वो अच्छे खासे लेवल पर खरीद रहे हैं इस चीज़ को यहाँ पर शेयर्स, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेगा। तो आई थिंक कि यहाँ पर इन्फोसिस ने भी जिस दिन और अच्छा खासा खरीदने लग गया ना, क्योंकि 95 करोड़ 95 करोड़ का यहाँ पर अगर बात करें तो बाईबैक आना है जो कि मार्केट से प्री ओपन मार्केट से खरीदा जाएगा। जैसे जैसे खरीदेंगे इन्फोसिस का शेयर ऊपर जाना ही है, 1600-1700 रुपये तक जाना ही है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा LTI कुछ दिन पहले ही हमने 3500 के आसपास चल रहा था, आपको बताया था शेयर को खरीद लो ओके अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे, आज की डेट में 3800 पे बैठा है। और इसका अगर बात करूँ तो 6 महीने का चार्ट पैटर्न हमेशा इस रेंज में आके बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, तो 4300-4400 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे 1-2 महीने में। टाटा कंसल्टेंसी की बात करें, टाटा कंसल्टेंसी भी सेम इसी लेवल पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर 3300 यहाँ पर लेवल बना रखा है इसने, इसी लेवल पर जाता है गिरता है जाता है गिरता है, तो इस चीज़ को देख लीजिए। SCL से रिलेटेड कल ही वीडियो बनाई है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर देख सकते हैं SCL टेक्नोलॉजी 1200 रुपये का टारगेट आ रहा है, काफ़ी लोगों ने वीडियोज देखा है, तो यहाँ पर देख लीजिए टेक्निकल से रिलेटेड बातें करी है। आज की डेट में भी यहाँ पर 5 रुपये का यहाँ पर जंप देखा गया है। इन्फो एज की बात करें तो 4100 के लेवल से बताता आ रहा हूँ
हर बार कि बाय ऑन डिप्स करिए भाई, बाय ऑन डिप्स करिए। और यहाँ पर 4200, अगर बात करें 4100 कब गई तो 4100 भी गया था ये शेयर। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर 4100 के आसपास भी आया था, तब भी मैंने आपको बताया था बाय इन्फो एज। इन्फो एज का मतलब जोमेटो एज वेल एज पॉलिसी बाजार का बहुत जल्दी मार्केट में आईपीओ हिट होने वाला है। ये शेयर 7-8 हज़ार रुपये तक जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। जुबिलेंट इंग्रीविया बात करें तो यहाँ पर 3-5 दिन से भागते ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए बहुत कम प्राइस में यहाँ पर वीडियो बनाई थी, यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी आपको, आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो जुबिलेंट इंग्रीविया पे आपको वीडियो बनाती हुई मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर वीडियो बनाइए। यहाँ पर देख लीजिए राकेश झुनझुनवाला मतलब 6.29% की होल्डिंग रखते हैं। ये एक वीक पहले ही वीडियो बनाई थी और आज की डेट में अगर देखते हैं यहाँ पर ये एक वीक में ये शेयर भागता हुआ नज़र आ गया है अच्छा खासा, मतलब 8-10% के रिटर्न यहाँ पर दे दिए। इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड 8-750 पे आ गया था, लोग घबराने लग गए थे बेच देना चाहिए क्या नहीं, 807 रुपये पे आज की डेट में चल रहा है। ये भी वीडियो बना के आपको बताया था कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है, हैप्पीएस्ट माइंड कोई छोटा मोटा ऐसा वैसा शेयर नहीं है। ओके, इसके रिजल्ट आए थे तो मैंने यहीं पर ही यहाँ पर वीडियो बनाई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर देखिए हैप्पीएस्ट माइंड बिग अपॉर्चुनिटी लिख रहा है ना, बिग अपॉर्चुनिटी 15% डाउन है, तो इसलिए यहाँ पर वीडियो बना के सारे सबूत के साथ आपको बता रहा हूँ। एज वेल एज बात करते हैं बोरोसेल की, आज के दिन 10% तक भागता हुआ दिखाई दिया, थोड़ा सा गिर गया बट इसके कल रिजल्ट है पहली बात। और दूसरी बात ये भी वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले ही बनाई थी और आपको बताया था कि भाई बोरोसेल खरीद लो। ओके, ये शेयर काफ़ी अच्छा शेयर है और मैंने अपने दोस्तों को भी रिकमेंड किया था, उन्होंने भी बाइंग की थी इसमें और आज की डेट में 7-8% मतलब एक हफ्ते में आपको 7-8% 10% की गेन मिल रहे हैं तो क्या बुराई है, इसे ही तो कहते हैं। अगर आप एफडी करेंगे तो ये पूरे एक साल का रिटर्न है जो आपको एक दिन में मतलब 7 दिन में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एमटार टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर ऊपर ही यहाँ पर दिख जाएगा आपको एमटार टेक्नोलॉजी। ओके, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर वीडियोज़ देखी थी, यहाँ पर बता दिया था भाई फ्यूचर मल्टीबैगर है उठा लो। ओके, 900 रुपये के लेवल पर बताया था। ओके, आज की डेट में यहाँ पर 5 डेज पहले ही बताया, ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ। यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर 900 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था, आपको बताया था मैंने भी बाइंग किया था आज की डेट में अच्छे खासे रिटर्न पे, मतलब 10% 11% का रिटर्न एक हफ्ते के अंदर मिल रहा है और क्या चाहिए। मतलब आपको अच्छे अच्छे शेयर टाइम पर बताए जाते हैं ताकि आप सभी का प्रॉफिट हो, इसलिए कहता हूँ कि आप हमारे चैनल की सारी वीडियोस को देखो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी कि आपको कौन सा शेयर लेना है। हम ऐसे शेयर लेते ही नहीं है जहाँ पर हम क्या कहते हैं ऊपर लेवल पर फंस जाए, हम थोड़ा कम अर्न कर लेंगे बट और कम भी अर्न नहीं करते, हम अच्छा खासा अर्न करते हैं बट हम ऊपर लेवल पर नहीं फंसते। क्योंकि देखिए जो गलतियाँ मैंने करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। ओके, बहुत सारे शेयरों में अपर लेवल पर फंसा हुआ हूँ बट मैंने सीखा है। ओके, मैं सीख के अब कर रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। तो आप एक पहले सीखिए, सीख के करिए, अपर लेवल पर बिल्कुल फंसी है। आप जो भी कमेंट करते हो मैं हर एक को उसमें सलाह देता हूं कि अपर लेवल पर जब शेयर ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो ना टच मत करो, कोई इशू नहीं है उसमें, 10% 15% 20% निकल जाएगा, निकल जाने दो, एटलीस्ट आप ऊपर नहीं फंसोगे। और जो जो नीचे आपको मिल रहा है शेयर उसे तुरंत पिक करो क्योंकि उसमें आपको अच्छा खासा गेन मिलेगा। हैप्पीएस्ट में 750 रुपये आया मैंने आपको बताया, आप खरीद लो। ओके, क्योंकि 3 महीने के अंदर 1000 रुपये जा रहा है सीधा मुझे नजर आ रहा है। एमटार का 900 रुपये यहाँ पर मुझे पता था ये शेयर भागेगा क्योंकि काफ़ी गिर चुका था और नया आईपीओ आया था, जितने भी नए आईपीओ आए सारे गिर के ऊपर जा रहे हैं, ये भी जा रहा है 900 पे बताया था 990। बोरोसिल ओके 235-230 पे यहाँ पर खरीदवाया था अच्छा खासा भाग लिया। ओके, हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पर भाग लिया। जुबिलेंट इंग्रीविया ये भी 400 रुपये के आसपास बताया था, यहाँ पर ये भी भाग लिया। इन्फो एज आपको बाय ऑन डिप्स करने की हमेशा सलाह दी है, हमेशा ये नीचे बताया है, ये फिर दोबारा भाग लिया। एससीएल टेक्नोलॉजी 900 पे बताया था, 946 रुपये पे चल रहा है। टीसीएस ओके 3000 पे बताया था। एलएनटी बात करें यहाँ पर 3500 रुपये बताया था। इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस को तो ऑलवेज मैं बताता जा रहा हूँ, काफ़ी बार वीडियो बनाई है कि बाई बैक आ रहा है, 1700 रुपये तक जाएगा, कभी भी खरीद लो, अभी भी खरीद लोगे अभी भी, बाकी ये सब चीज़ है तो आपको टाइम आपको थोड़ा सा वेट करके एक बार चीते की तरह जब मिले नज़र तुरंत लपक लेना है। ओके, ऐसे शिकार करना है शेयर का तो अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहेगा। तो इसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो थी, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ओके, हमेशा देखते रहिए हमारी वीडियो को,
आपको पता चलेगी कि आपको कौन से शेयर अच्छे शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। आप ऊपर ट्रैप भी हो जाते हैं तब भी आप अच्छा खासा खरीद सकते हैं, बाकी हम ऊपर खरीदते ही नहीं हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, नए लोगों को कनेक्ट करें, एज वेल एज कुछ आपको कमेंट है तो कमेंट करिए, यहाँ पर आपको जवाब दिया जाएगा। और किसी का जवाब नहीं मिल पाता तो उसके लिए सॉरी, मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ सबको दूँ और आज तक सबको दिया, तो उस टाइम सबको रिप्लाई दिया, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।